सिद्धू कानू मुर्मू पार्क के निकट जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता ने धरना दिया। धरना दे रहे कार्यकर्ता धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने, धर्मांतरित जनजाति को आरक्षण के लाभ से वंचित करने की मांग कर रहे थे। धरना को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांतीय संयोजक सुलेमान मुर्मू ने कहा कि धर्म बदलने वाले जनजाति गलत तरीके से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और यह परंपरा खत्म हो, इसी मांग को लेकर धरना के जरिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। व्यवस्था दी गई थी वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका है और हम लोगों ने संथाल परगना में 16 दिसंबर को रैली किया था और 18,000 से अधिक लोग हमारे उपराजधानी में जमा हुए और जो 20 दिसंबर को रांची में हुआ उसको देख करके ईसाई आदिवासी लोगों ने 4 फरवरी को कार्यक्रम रखा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक साल पहले जो है सरना धर्म कोड को अपने स्तर से वो पास करके राष्ट्रपति महोदय को भेजे थे। हम लोग चाहते हैं कि उसी तरह जब हमारे परम्परे रूढ़िवादी संथाल और इस देश के जनजाति के लिए हित के लिए हम लोगों ने किया है उसका विरोध करते हुए आज जो हमारे देश हमारे राज्य में जितने भी जिले हैं सभी जिला में एक दिन में कार्यक्रम आज रखा गया है जो DC के माध्यम से हेमंत सोरेन महोदय सरकार को दिया जा रहा है।